फाइनली हे वी आर, आई एम एट दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो इस वक्त मैं अपना जो बाइक है यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। सो दिस इज़ माई बैग 1, ओवर ऑन माई शोल्डर इज माई बैग 2, और यहाँ पे जो हमारी बाइक है ये है। तो आमतौर पे मैंने कभी अपने ब्लॉग में ये वाला पार्ट कभी फीचर किया नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं पहली बार ये पार्ट फीचर कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो उधर सामने जो ये हमारे चेक इन काउंटर्स हैं, जो ये रेगुलर चेक इन काउंटर्स हैं, यहाँ पे अभी मैं अपना जो बाइक है और जो बैगेज है दोनों दे दूँगा। एंड यूजुअली हम लोग ये यहीं पे ही सबमिट करते हैं। तो अभी इस बार मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एयर इंडिया में अब तक मैक्सिमम जितने भी ट्रैवल किया वो फ्री ही रहा है, तो इस बार भी देखते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली एयर इंडिया ही बुक किया था क्योंकि इसमें फ्री रहता है, अदरवाइज़ जो आपके एवरेज जनरल एयरलाइंस हैं जितने भी बाकी सब है वो 1000 से 1500 रुपये के आसपास आपसे चार्ज करता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज दिस टाइम। आपको नॉर्मल गेट से लेके आना अपना बॉक्स एंड सीधा वहाँ पे देना, एडवांस में कुछ बताना नहीं होता, जो सिंपल बॉक्स। एयर इंडिया में एक और एडवांटेज है, आमतौर पे आपको जो वेट कैटेगरी है 20 किलो तक होती है, पर एयर इंडिया में आपको 25 किलो तक मिल जाती है। तो एक फ़ायदा है इसका, एडवांटेज उठाइए अगर आप नॉर्मली उठाना चाहते हैं। तो दैट्स इट, इसकी एयरलाइन टिकट हल्की सी ज़्यादा प्राइस भी रहती है कभी कभी, बट वेट का आपको एडवांटेज मिल जाएगा अगर आपको ज़्यादा वेट कैरी करना है तो। So this is a bike, this is a bag and here we go to somewhere. So finally we are here in the line, और इस तरफ ये जो normal जो हमारे counters रहते हैं, हमको जो अपना जो box है स्पेशली baggage के लिए सबको पता है, बट box के लिए काफ़ी speculations रहते हैं, तो जो box है वो भी यहीं पर simply रख देना होता है। So this is how it is usually done, now it's ticked and done. Please check your name, Mr. Arthur Prince. Yeah, it's correct. Traveling to Goa, boarding time, seat number and the gate number is 28B. Cool, sir. Thank you. And sir, please, for this, you need to go to the first counter and ask the supervisor to provide you a staff so that this can be go through. So this is how it is usually done. जैसा कि भाई आपने देखा, तो bike के ऊपर जो उन्होंने sticker है वो लगा दिया है, और अभी इसी के पास में एक SOG है, I think it's full form तो मुझे पता नहीं है, but it's for heavy. ऑब्जेक्ट्स और से लगेज। तो अभी मैं अपना बाइक लेके थोड़ा दूसरे काउंटर की तरफ जा रहा हूँ, वो बोले कि कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आप हेल्प ले लो और वो रखवा देंगे। लोकेशन तो मुझे पता है और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। सो वी आर गोइंग टू दैट प्लेस। सर एक्सक्यूज मी, उन्होंने बोला कि बस कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है, उन्होंने सब टैग वगैरह लगा दिया एसओजी के लिए। तो इन्होंने जो टैग है वो यहाँ पे लगा दिया है, तो जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए होता है। और अभी जस्ट थोड़ा आगे एक लोकेशन है, वहाँ मैं मल्टीपल टाइम जा चुका हूँ तो मुझे पता है, बस वहाँ जाके आपको सबमिट करना होता है और वही लोग अपना साइन सिग्नेचर करते हैं, देन योर बाइक इज़ डन। फिर जब आपने लोकेशन पे पहुँचोगे वहाँ पे सिर्फ आपको एयरलाइन पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहा है कि आपका जो बॉक्स था वो कहाँ से मिलेगा वो बता देता है। यूजुअली एक लोकेशन होती है परफेक्ट, और जैसे दिल्ली है तो वहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट पे ही आता है, बट जैसे गोवा एयरपोर्ट है वहाँ में भी नहीं होगी, तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव वो आपका जो लगे जो खुद ही लेके आता है, मान लीजिए साइकिल है तो साइकिलों को लोग खुद ही लेके आएंगे। तो अब जो हमने अपना साइकिल है वो तो रख दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ। तो जो हमारी सेकेंड पार्टिसिपेंट है नीतू, वो अपना जो बैग है वहाँ पे चेक इन करा रही है, तो अब हम उन्हीं से मिलने जाते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको अभी दे देता हूँ। पहले हम लोग ये टीम ट्रायथलॉन कर रहे थे जिसमें अभिजीत है वो स्विमिंग करने वाला था, मैं साइकिलिंग, और जो हमारी एक और टीम मेट नीतू वो रनिंग करने वाली है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंड थोड़ा बदल गया है, अभिजीत अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पर बीमार हो गया है एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज, सो वी विश बेस्ट टू हिम। बट अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्विमिंग करने के लिए कोई है नहीं, तो इट्स मी एट द लास्ट मोमेंट स्टेपिंग इन। कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा खास है नहीं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, फिंगर्स क्रॉस। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी लास्ट मोमेंट पर हो गई है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो फाइनली हमको जो हमारा साइकिल है वो मिल गया है, एंड हियर इज़ अ चैंप नीतू जो हमारे साथ रनिंग करने वाली है। सो फाइनली इट्स हर इंट्रोडक्शन, सो शी इज़ मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैम्पियन इन हर कैटेगरी एट स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट इज़ विल। सो वी वेलकम आर, सो ये रनिंग कर रही है हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली अभिजीत जो है पार्ट नहीं हो पा रहा है टीम का, तो अभी मुझे स्विमिंग भी करना पड़ेगा और साइकिलिंग भी, एंड शी विल बी रनिंग फॉर अस नीतू। या वील डू इट, सो वील गेट अ बाइक ऑन इट एंड विल एग्जिट नाउ आवर कैब इज हियर। अभी हम लोग यहाँ पे जो अपना साइकिल है वो इस तरीके से यूजुअली
जो कार का सीट हम लोग नीचे कर लेते हैं और फटाफट इसको उठा के इसमें डाल देंगे। चलो साइकिल पे जरा हमारे जो साइकिल हमने अंदर डाल दी।